आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मूड सदन की कार्रवाई के दौरान पल पल में बदलता है। एक पल वो विपक्ष को डांट रहे होते हैं, उन पर नाराज हो रहे होते हैं, और दूसरे ही पल वो पीएम का भाषण सुन के मुस्कुराने लगते हैं। आप दोनों के पहले विजुअल्स देखिए। दिस कॉन्डक्ट इज नॉट अप्रोप्रिएट। 10 करोड़ किसानों को हुआ अनपार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। आज राज्यसभा में पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण दे रहे थे और दूसरी ओर विपक्ष उनका विरोध कर रहा था और ये नारे भी लगा रहा था कि झूठे भाषण बंद करो। तभी राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने नेता प्रतिपक्ष को पीएम के भाषण का विरोध करने के लिए डांट दिया। पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ, दिस कॉन्डक्ट इज नॉट अप्रोप्रिएट। 10 करोड़ किसानों को हुआ अनपार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। 6 साल में इस जनरेशन ऑफ हमने प्लीज टेक योर सीट। 3 लाख करोड़ रुपए टू टेक देयर सीट। सभापति धनखड़ कह रहे हैं कि वो नियमों के मुताबिक ही चलेंगे, विपक्ष की ये हरकत ठीक नहीं है, वो इसकी निंदा करते हैं। लेकिन विपक्ष के नेता पीएम के भाषण में कही गई कुछ बातों से सहमत नहीं थे और इस पर वो अपना विरोध दर्ज कराना चाह रहे थे। लेकिन जब विपक्ष की बात नहीं सुनी गई तो इस पर पूरे विपक्ष ने एक साथ सदन से वॉकआउट कर दिया। देखिए, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। विपक्ष के इस वॉकआउट से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बेहद नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से में क्या कहा सुनिए। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। वैसे वॉकआउट तो संसदीय परंपरा का हिस्सा है, ये विपक्ष का सबसे कारगर हथियार भी है, जिसे विपक्ष अपना अधिकार भी मानता है और वॉकआउट के जरिए विपक्ष सरकार की नीतियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराता है। सिर्फ संसद ही नहीं, देश के अलग अलग विधानसभाओं में भी विपक्ष समय समय पर वॉकआउट करता रहता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी बार बार जानबूझकर वॉकआउट कर रही है, दुनिया भर में कई लोकतांत्रिक देशों में अक्सर विपक्ष के नेता सरकार से असहमत होने पर वॉकआउट करते हैं। और जब बीजेपी विपक्ष में थी तब वो कई मुद्दों पर वॉकआउट कर चुकी है। 14वीं लोकसभा में जब लालकृष्ण आडवाणी नेता प्रतिपक्ष थे और 15वीं लोकसभा में जब सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष थी, तब भी भाजपा सांसदों ने मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार का विरोध करते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से वॉकआउट किया था। कुछ चर्चित मुद्दों पर बतौर विपक्षी पार्टी जब बीजेपी ने वॉकआउट किया था उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। 14वीं लोकसभा का समय था 29 नवंबर 2007। नेता प्रतिपक्ष थे लालकृष्ण आडवाणी और वॉकआउट का मुद्दा बना भारत अमेरिका के बीच हुआ न्यूक्लियर समझौता। 14वीं लोकसभा में दूसरा वॉकआउट किया लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने 5 मार्च 2008 को, और इसकी वजह थी आंतरिक सुरक्षा और अफजल गुरु की फांसी पर पीएम मनमोहन सिंह ने बयान नहीं दिया था। वहीं 27 फरवरी 2010 को 15वीं लोकसभा के समय नेता प्रतिपक्ष थी सुषमा स्वराज और वॉकआउट की वजह बनी प्रणब मुखर्जी। जब समय जब बजट पेश कर रहे थे तो एक साथ सभी पार्टियों ने एक साथ वॉकआउट कर दिया था लोकसभा से। इसके बाद 9 फरवरी 2011 को 15वीं लोकसभा के समय सुषमा स्वराज जब नेता प्रतिपक्ष थी, उनके नेतृत्व में सारे विपक्ष ने वॉकआउट किया था और वॉकआउट की वजह बनी सोमालिया के समुद्री डाकुओं द्वारा भारतीय नाविकों की किडनैपिंग। 15वीं लोकसभा का समय था, तारीख थी 7 मई 2013, नेता प्रतिपक्ष थी सुषमा स्वराज और वॉकआउट की वजह बनी कोयला घोटाला। 25 मार्च 2011 को 15वीं लोकसभा के समय नेता प्रतिपक्ष थी सुषमा स्वराज और उनकी नेतृत्व में वॉकआउट की वजह बनी कॉमनवेल्थ खेलों में हुई कथित घोटाले। इस मुद्दे पर बीजेपी ने वॉकआउट किया था। यानी सदन से वॉकआउट करना कोई नई बात नहीं है, ये तो संसदीय परंपरा का हिस्सा है। जिस समय बीजेपी विपक्ष में थी वो भी करती थी और अब कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस इस चीज को फॉलो कर रही है।
ये विपक्ष का सबसे कारगर हथियार है जिसे विपक्ष अपना अधिकार मानता है और वॉकआउट के जरिए सरकार की नीतियों के खिलाफ वो अपनी बात रखता है, अपना विरोध दर्ज कराता है। लेकिन आज जिस अग्रेसिव तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के वॉकआउट की निंदा की है वो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। इस खबर में इतना ही, देखते रहिए बीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।